हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इथानोल। तो इथानोल का नाम आपने सुना ही होगा, इसको कॉमनली हम अल्कोहल भी बोलते हैं ना, अल्कोहल की शराब भी इसको हम बोलते हैं। और इट इज़ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ है, क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो। एक तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में आपको लिक्विड फॉर्म में जो ये मिल जाता है। रूम टेम्परेचर मीन्स जो जहां आप रह रहे हैं उसके अंदर क्या टेम्परेचर है, 20 है 24 है 26 डिग्री सेल्सियस जितना भी है, तो वहां पर आपको ये लिक्विड फॉर्म में जो वो मिल जाता है, ठीक है। और जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वहां पे इसका यूज जो वो किया जाता है इथानॉल का। उसके बाद अच्छा सॉल्वेंट है और इस की वजह से, इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से इसको देखो कहाँ यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है इसको। जो आयोडीन टिंचर होते हैं, जो आपको चोट वगैरह लग जाती है वहां पे जब हम दवाई लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं घाव के ऊपर, उसको हम बोलते हैं आयोडीन टिंचर, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके कफ सिरप होते हैं खांसी की जो दवाई होती है आपकी, उसके अंदर भी इसको ऐड किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी और मेडिसिन्स होती हैं, अदर मेडिसिन्स में भी इसको हम यूज़ जो वो करते हैं। इसके अलावा देखो वाटर सॉल्युबल है, ये तो आपको पता है, वाटर में ये घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है ये। एंड इसका जो इनटेक है, अगर इसको इनटेक करते हैं तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी हमारे हेल्थ के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए ये अच्छी जो है वो नहीं होती है इसकी कम क्वांटिटी भी। और कई बार अगर इसका आप एक्सेस कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लेते हैं ड्रिंक में, तो इट कॉज अ डेथ, है ना, तो डेथ भी कॉज कर सकता है ये। तो दैट मीन्स कि ये जो होता है हमारे हेल्थ के लिए कुल मिलाकर अच्छा जो वो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको जो है वो स्लो डाउन कर देता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, और हमारे सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, स्लो डाउन जो वो हो जाती है ना। तो इथानोल की कुछ रिएक्शन करेंगे हम, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे हम इसकी रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जो वो ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, देखो Na+ CH2H5OH लिख लो, या CH3, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, CH3CH2OH भी हम इसको लिखते हैं इथानोल को। तो ये सोडियम के साथ जो वो जब रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, ये बना देता है CH3CH2ONA, दैट मींस ये बना देता है सोडियम इथाऑक्साइड। ये बनता है सोडियम इथाऑक्साइड और प्लस यहां पे बच जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको ब्लेंड कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम इथाऑक्साइड जब ये रिएक्शन विद सोडियम करता है। और जो सेकंड रिएक्शन है इसकी, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा था जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बोलते हैं ना। तो यहां पे देखो आप CH3CH2OH, यहां पे हम यूज करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन करेंगे हम, और इसमें बनेगा क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वो बनता है ना। कैसे बनेगा देखो,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां से रिमूव हो जाएगा वाटर। कुल मिलाकर क्या हुआ ये रिएक्शन जो है वो यहां से हमने वाटर को रिमूव जो है वो करवा दिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहां से एल्कोहल से वाटर जो है वो रिमूव हो गया एंड इट फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसका नाम है इथीन। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लगा, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगना था, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन लगना था, इथाइन बनना था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इथीन बन गया यहाँ पे और वाटर जो है वहां पे रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड था, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने यहाँ पे यूज किया, दैट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो H2SO4 है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम जो है इसने किया यहाँ पे। यहां से इसने वाटर को रिमूव कर दिया एल्कोहल से और इथीन की फॉर्मेशन जो वो कर दी। तो मतलब कहने का कि यहां से आप जो एल्कोहल है उससे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इथीन की फॉर्मेशन जो वो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो रिएक्शन थी इथेनॉल के बारे में, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। और नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम इथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस और किस तरह से हमारे बॉडी के लिए ये बहुत डेंजर होता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आज के लिए थैंक यू।